तुम, तेरे लिए पूजा है और तू ही घर पर नहीं। अरे सुनो, ये है मेरी छोटी बहू। अरे नई बहू ये पूजा कितने मायने रखती है तुझे नहीं मालूम? अरे आओ आओ, रसम तो पूरी करो, आओ। तुम भाई, अगर आप चाहती है कि आपकी इज्जत का तमाशा ना बने तो इन लोगों को यहां से जाने को कह दीजिए। पुलिस आ चुकी है, अब आप लोगों की पोल खुल जाएगी। ये क्या कह रही है तू? ओ, शायद तुमने अपनी दवाई नहीं ली। हुँ? दवाई? हाँ इंस्पेक्टर, इसको दवाई की जरूरत पड़ती है। कभी कभी इससे दौरे भी नहीं बेटी, गुस्सा नहीं होते पूजा के दिन, नाराज नहीं होते। जया अभी आती है, वो दवाई देगी तुम्हें। ये जया कौन है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है जया? मैंने आपको उसके बारे में बताया था ना, उसी को बुला रहे हैं। शाम को कह रहे थे वो तो मर चुकी है। ओ माँ, अब शगुन की बात नहीं करते। बाबा अब जाने भी दीजिए ना, अब नोएना की बात का क्या बुरा मानना। बहुत अच्छा हुआ कि तुम पूजा के वक्त से आ गई। बस बस बस, बहुत हो चुका। आप लोगों को क्या लगा अब दुनिया वालों को बेवकूफ बना देंगे? मैं असलियत सामने रख के रहूंगी, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। इंस्पेक्टर साहब आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी बहू की वजह से आपको। आपको जो कुछ भी कहना है बाद में, पहले से अपनी बात कह लेने दीजिए। उसने कहा है कि उसके पास प्रूफ है और मैं प्रूफ देखना चाहता हूं। इंस्पेक्टर साहब ये है मिसेस शिंदे, पिछले 30 साल से ये इस सोसाइटी के रेसिडेंट रह चुकी है और इनके हस्बैंड यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं और इनके पास प्रूफ है कि यहाँ पे कोई करमरकर फैमिली नहीं रहती है। ओके, तो आप है मिसेस शिंदे? हाँ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब आप ही बताइए, जो लोग 30 साल से एक दूसरे के सामने रह चुके हैं क्या वो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं? हाँ इंस्पेक्टर, कोई करमर कर नहीं रहते और ये घर तो दासगुप्ता लोगों का है, बरसों से वो लोग यहाँ रहते हैं। हम अच्छे पड़ोसी ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। मिसेस दासगुप्ता है ना? ये आप क्या कह रही है? आप भी इन लोगों से मिली हुई है? मैडम आप तो इनकी पोल खोलना चाहती थी ना, लेकिन यहाँ तो आपकी कहानी की पोल खुल रही है। I'm sorry कि मैंने आपकी बात पर भरोसा किया और यहाँ चला आया। अब आपको और भी कुछ कहना है या मैं चलूं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप यही रुकिए। राज, ये लोग देखिए ना क्या कह रहे हैं। आप प्लीज, ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं? इंस्पेक्टर मेरे को बोल दीजिए ना क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। कैसे आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। आप एक दूसरे को जानते हैं? मैंने बताया था ना, ये क्राइम डिवीजन में स्पेशल एजेंट है मिस्टर राज करमरकर। इन्हें कौन नहीं जानता मैडम? आप हैं जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर राजन दास गुप्ता। इंस्पेक्टर मैं जानता हूँ आपको काफी परेशानी उठानी पड़ी होगी। मेरी वाइफ को कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या है कि बेचारी करीब करीब पागल है। मेरी वाइफ को कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या है कि बेचारी करीब करीब पागल है। राज, राज भी उन लोगों में शामिल हो गया, पर उसने ऐसा क्यों किया? आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या है? कहीं कहीं मैं ही नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम
फ्रेश हो गए तुम? तुम कब आए? कब आए? अरे कितनी देर से मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें तो बुलाया था मुझे कुछ बातचीत करने के लिए, भूल गई? मैंने क्या बात करने? अब मुझे क्या मालूम तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। हो सकता है जया के बर्थडे के गिफ्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी राज, इनफैक्ट मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं था। लो अभी अभी तो तुम मुझे बता रही थी जब ये कॉफी देने आई थी मुझे। राज मैं तुम्हारे लिए कोई कॉफी नहीं लाई थी। राज तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं कल से देख रही हूँ तुम मेरे साथ इतने अजीब तरह से क्यों पेश आ रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? रिलैक्स, काम डाउन, इट्स ऑल राइट। ठीक है तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद ही चला आया, और तुमने मेरे लिए कॉफी भी नहीं बनाई। इट्स ओके, मैंने खुद ने बना ली। पर तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो नानू? नानू? देखो अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें नानू भी नहीं बुलाऊं। अगर मैं बाकी लोगों की तरह से तुम्हें न्योने का बोलूंगा तो इसमें हमारा अपनापन कहां रहेगा? राज मेरा नाम नानू नहीं निक्की है। निक्की? ये कब? लगता है पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। क्या करें, एक डोज और दे दें? नहीं राज, डॉक्टर ने ज्यादा डोज देने से मना किया है। ज्यादा दवाई देना भी अच्छा नहीं है। नोएनिका राजा क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आना। ना छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो अंजलि? ये क्या कर रही हो अंजलि? छोड़ दो, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगी। चुप रहो अंजलि, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ना छोड़ो। उठ गई बेटा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाऊं? मेरा सर फटा जा रहा है। मौशी फोन बज रहा था। हाँ बजा तो था। तो आपने उठाया क्यों नहीं? वो ठीक नहीं रहता, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। मौशी एक मिनट। मौशी ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? आखिर ये लोग चाहते क्या है? क्या कह रहे हो बेटा? आपसे तो पूछना बेकार है, आप भी उन सब में मिली हैं। पर क्यों, किस लिए ये नाटक? किस लिए नाटक? इस नाटक की बात हो रही है? नहीं नहीं, देखो ना ये भी कितना मजाक करती है। मुझे कह रही है कि मेरे साथ नाटक देखने क्यों नहीं चलती। अच्छा कौन सा नाटक? मुझे क्या पता, मुझे मुझे नाटक जेटक कुछ नहीं देखना होता, और मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है। तुम बहुत बोलती हो मौसी, जा। हाँ मैं ना चाय बना के लेके आती हूँ। मैंने चाय टेबल पर रखी है नोएनिका, तुम चलो चलो। नोएनिका, नोएनिका काम तो होते रहेंगे, आओ हमारे साथ बैठ के चाय पियो। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा, जल्दी ठीक हो गई तो। अच्छा जया, मौसी को आम काटने के लिए बोल देना, अचार बनाना है ना। नोएनिका को आम का अचार बहुत पसंद है ना नोएनिका? हाँ हाँ। अच्छा नोएना, मेरा बर्थडे आके चला भी गया, तुमने कुछ नहीं दिया, कुछ सोचा है क्या गिफ्ट दोगी? सोचा है, और सोचने के बाद ये लगा कि तुम्हें तो सबसे बड़ा गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है। सबसे बड़ा गिफ्ट वो क्या? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल गई।
अब इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? नानू, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। अब ये हर्ट होने का नाटक बंद कर दो। तुम चाहते हो मैं इन सब लोगों की इज्जत करूं जिन्होंने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक किया है? तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और चाहते हो कि मैं रिएक्ट भी ना करूं? नानू, तुम भी ना। अच्छा तुम मुझे बताओ, कौन रोक रहा तुम्हें? कौन रोक रहा तुम बताओ? ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है नानू? अच्छा तुमने दवाई ली? नहीं ली ना, चलो दवाई ले। राज, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी है। नानू तुम्हें दवाई की जरूरत है? नहीं देखो राज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे। पता है मुझे सबके पीछे कौन है? नानू, सॉरी नानू, मैं तुम पर बहुत जोर से चिल्लाया ना, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत खराब लग रहा है तुम सबके सामने मैं चिल्ला रही हूँ। राज, मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे बख्श दो। ये तुम क्या कर रही हो नानू? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो नाटक? नानू, तुम क्या बोले जा रही हो? राज, मैं पागल हो जाऊंगी, बंद करो ये सब कुछ। नानू, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम अच्छी हो जाओ, बस। मुझे कुछ नहीं हुआ है राज। ओके ओके ओके, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत खराब लगता है तुम्हें ऐसा कुछ कहता है, लेकिन देखो तुम ठीक नहीं हो ना, मेडिसिन ले लो प्लीज। मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि इस ट्रैप में फंस जाऊंगी। अच्छा ठीक, कम से कम आज मेडिसिन ले लो। देखो अगर आज तुमने गड़बड़ की ना तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। क्या है आज? तुम्हें तो हैरान क्यों हो रही है नानू? अरे यार, दीपू को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। लड़के वाले? दीपू को देखने? ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओ। मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ राज, नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। देखो सारा कड़ भी नहीं है, छोड़ो मुझे, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। बाबा देखो ना, नानू दवाई नहीं ले रही है। मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, बस। पिशिमा को मासी क्यों बोल रही हो? पिशिमा? हाँ, ये मेरी बहन है। बहन? हाँ, और तुम कह रही हो ये यहाँ काम करती? दादा, शायद नोए निकाले भी वही कह दिया जो परसों से सब कह रहे हैं। क्या कह दिया? हमने आज तक इसे कभी पाया नहीं समझा, और तूने तूने एक पल में इसे नौकरानी बना दी। नहीं नहीं नहीं, सच्ची बात तो ये है कि आजकल ना पानदान रह गए और ना ही वो खानदान रह गए। आजकल तो लड़की के लिए अच्छा घर मिल जाए ना, यही गनीमत है। तभी तो हमारे एक मित्र ने जब आपके परिवार के बारे में कहा कि बड़ी ही कल्चर्ड और डिसेंट फैमिली है, तो मैंने सोचा इससे अच्छा घर हमारे लिए और कौन मिलेगा। और फिर हमारी लड़की भी बड़ी होनहार और गुणवान है।
आपके घर की खुशियां दुगनी कर देंगी। अरे भाई साहब, अब क्या दीप शिवा को अंदर ही बिठा के रखोगे? अरे मैं तो कौप से बेचैन हो रही हूँ अपने होने वाली बहू को देखने के लिए। जी जी जी, अभी लेकर आते हैं। नोयनिका, जरा दीपशिखा को ले आओ। हमारी बेटी बहुत शर्मीली है। जाकर देख कर आओ कि दीपशिखा अभी तक क्यों नहीं आई। कभी कभी मेहमानों को पानी देते देते बीच में ही भाग जाती है। मैंने कहा जाकर देख कर आओ दीपशिखा अभी तक क्यों नहीं आई। हमारी बहू के बहुत जाओ है। बिल्कुल उसी तरह है। अच्छा। बहुत कम बोलती है। अरे भाई कहाँ है हमारी बेटी? भाभी आप मुझे बुलाने आई है ना? पता नहीं भाभी, बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना भाभी? भाभी आप मेरे साथ ही रहना हाँ प्लीज। अब ऐसा भी क्या शर्माना कि बाहर ही ना निकले। भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक नहीं हूँ, तुम दीपू नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? तुम साड़ी में? कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, मैं तो रोज साड़ी पहनती हूँ। मैं भी आया। एक मिनट। नानू ये क्या? ऐसा नहीं, चलो प्लीज उठो, चलो प्लीज दवाई लो, चलो प्लीज। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई ना। तुम नानू प्लीज ऐसा मत करो। नानू भगवान के लिए ऐसा मत करो प्लीज, वो लोग सुन लेंगे अगर। हमने ऑलरेडी सब कुछ सुन लिया शरद बाबू। ये क्या? अरे आपने हमें पहले नहीं बताया कि आपके खानदान की बहू पागल भी है? क्या है वो अंकल? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। क्या देखो बेटा, बताने की कुछ जरूरत नहीं है। अब तो तुम जो कुछ भी कहोगे उसे लिपा पोती ही कहा जाएगा। पहले तो लोग अपने परिवार की, अपने खानदान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब सच सामने आता है तो ऐसा। हमारी नोयनिका की हालत हमेशा ऐसी नहीं होती, और फिर हम उसे दवाइयाँ दे रहे हैं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप इतनी सी बात पे इतना परेशान हो रहे हैं? हमारी नोयनिका तो बहुत अच्छी लड़की है ना नोयनिका? बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। नोयनिका देखो सब लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं, दवाई ले लो। मुझे नहीं चाहिए दवाई। अब अंकल वो एक्चुअली देखो राज बेटा, अब कुछ भी बताने से कोई फायदा नहीं। जो सिचुएशन है हमारे सामने, और हाँ मिस्टर दास गुप्ता आपसे एक बात कहूं, बात हो या बीमारी छिपाने से हमेशा बिगड़ती है, संवरती नहीं। अरे अगर आप लोगों ने हमें पहले बता दिया होता कि आपके खानदान की बहू पागल है तो शायद हम कुछ सोच भी सकते थे, लेकिन वी आर सॉरी टू से कि हम झूठों के खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और शरद बाबू, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप नोयनिका को लेकर मेरी क्लिनिक पर जरूर आइएगा, ताकि मैं इसकी असली हालत के बारे में आप लोगों को जरूर बता सकूं। अच्छा राज बेटा हम चलते हैं। अंकल आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली मिस्टर बोस, हमारी दीपशिखा में तो कोई कमी नहीं। देखिए शरद बाबू, हमने आपको अपना फैसला बता दिया है, हम अब इस रिश्ते में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। चलो चलो बेटा। देखा नानू उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपकी बहू तो पागल सी है, पर तुम तो पूरी तरह से पागल हो। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने दीपशिखा का घर बनने से पहले बिगाड़ दिया। अब कल को तुम किसी को मार दोगी तो? नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, मैं क्या करूं नानू? मुझे तुम्हें भेजना पड़ेगा मेंटल असाइलम में। नहीं, हाँ नानू आई एम हेल्पलेस।
मैं पागल नहीं हूँ राज, मैं पागल नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। राज इसे दवाई दो, राज इसे दवाई दो, जाने दो ना। सिर्फ पापा ही मुझे बचा सकते हैं, सिर्फ पापा। सॉरी पापा, पर अब ये बात मैं और नहीं दबा सकती। फोन उठाइए पापा, 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 यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है पापा। पापा यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने आज तक आपको कुछ नहीं बताया, पर अब यहाँ पूरी फैमिली मेरे खिलाफ साजिश रच रही है, यहाँ तक कि राज भी। पापा, पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? पापा, पापा, हेलो। अपने आप से बात कर रही हो बेटा? कनेक्शन तो है ही नहीं, क्या इंस्ट्रूमेंट लगा है ना? पापा, हेलो। हाँ चटर्जी साहब, हाँ हाँ सब ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल, जी जी जी, हाँ जी। पापा इनकी बातों में मत आइए। हेलो, हेलो नयनिका, बाबा भालू ना, मत तकलीफ दो बाबा को। हाँ क्यों कष्ट दे रही हो बाबा को? बाबा भालू ना, हाँ हम है ना, हम है ना तुम्हारे साथ नयनिका। तुमने देखा राज, किस तरह से बड़ी मुश्किल से हम लोग नयनिका की कंडीशन को थोड़ा कंट्रोल में लाए। पर वैसे तो वो स्टेबल है ना अंकल? वेल, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। देखो, हमें उसे कुछ दिन के लिए यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। हाँ अंकल, सभी लोग यही सजेस्ट करते थे, डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप कराओ, पर हम लोग टालते रहे। हमें लगा वो खुद अपने आप ही ठीक हो जाएगी, पर धीरे धीरे उसने अपना आपा खोना शुरू कर दिया। मारपीट करने लगी, चीज़ें फेंकने लगी, और तो और सपनों और सच्चाई के बीच में फ़र्क महसूस करना भी उसने बंद कर दिया। अब आपने देखा ही था वो हमसे किस तरह से बातचीत कर रही थी। हाँ मैंने देखा भी था और सुना भी था। यू नो राज, दरअसल अनस्टेबल माइंड होने की वजह से इस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन मुश्किल ये है कि मैं इस तरह के स्टेटमेंट को अभी पेपर पर कमिट नहीं कर सकता हूँ। अंकल अब आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। देखिए हम लोग तो उसकी हालत जानते हैं, बस अब आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए कि नयनिका के दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो वो क्या है अंकल कि आप अपनी रिपोर्ट दे देंगे तो जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स अब्रॉड हैं मैं उनसे एक सेकेंड ओपिनियन ले लूँगा। क्यों? डोंट वरी राज, लेट मी सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे और पेशेंट भी देखने हैं। हाय नानू, कैसी हो? मैं जानता हूं कि तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। अब डॉक्टर को भी यकीन हो जाएगा कि तुम पूरी तरह से पागल हो। पागल ही नहीं, यू आर अ होपलेस केस। हेलो, कैन आई टॉक टू निकी दीदी प्लीज? मिष्टी हियर। क्या बात है मिष्टी, अपने जीजू की आवाज भी नहीं पहचानती? जीजू, जीजू दीदी ने काफी दिनों से फोन नहीं किया। उसने मुझसे भी बहुत दिन से बात नहीं की है। बहुत बिजी चल रही है तुम्हारी दीदी आजकल। खैर मैं उसे जल्दी से जल्दी तुमसे बात करने के लिए कहता हूँ। ओके बाय। बाय। जीजू घर पे है लेकिन दीदी बाहर गई है, शायद किसी काम से गई होंगी। लेकिन जीजू तो काफी खुश लग रहे थे,
तो दीदी भी खुश होंगी। नाम तो ठीक बताया, एड्रेस भी ठीक ही बताया, पर लास्ट सवाल, आपको क्या लगता है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर आप हैं। डॉक्टर बत्रा, वेल डॉक्टर बत्रा, पेशेंट की क्या हाल? अंजलि, अंजलि, आप जानते हैं ना, ये डॉक्टर अंजलि है। ये डॉक्टर कैसे हो सकती है? ये तो 10th भी पास नहीं है। अरे यही तो कॉलेज गई नहीं, मैं तो जानती हूँ। यही तो डॉक्टर है। ये डॉक्टर नहीं हो सकती। और अगर ये डॉक्टर है तो तुम कौन हो? तुम भी डॉक्टर नहीं हो सकते। आप कितनी बड़ी साजिश हो रही है, मुझे पता नहीं क्या कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हो सकते हैं अंजलि, मेरे साथ धोखा किया। जल्दी आओ। मैं तुमने, अरे तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, जल्दी लेके आओ। तुम लोग क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अंजलि। मैं तुम्हें नहीं, क्या चल रहा है? मैं यहाँ पागलखाने में आ गई हूँ, यानी मैं अब हमेशा के लिए पागल की जिंदगी जीऊंगी, तो पापा और मिष्टिका क्या होगा, उन पर क्या गुजरेगी? ये
भाग जाओ। निकी, निकी, इधर से भागो, जल्दी करो, इधर रास्ता है, एक सड़क मुड़ी हुई है, उसी में से निकल जाओ, जल्दी भागो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.